हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉन्कर इंडियन इकोनॉमी कोर्स में। मैं हूं स्वप्निल पुराणिक और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का सेक्शन है उसके सिलेबस के बारे में। सो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो डिस्प्ले किया गया है। अब सबसे पहले देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में दो पेपर्स होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज पेपर वन और दूसरा जनरल स्टडीज पेपर टू। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर वन की। अब इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, एनवायरमेंट, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये भी एक सब्जेक्ट है। और सबसे पहले ये हमें माइंड में फिट करना है कि हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि इस सेक्शन के लिए क्या पढ़ना है। कुछ लोग बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, कुछ लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कुछ लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पढ़ना है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बट आपको फोकस करना है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इस की फ्रेज पे, इस की वर्ड पे। डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है सिलेबस में। और किस टाइप का डेवलपमेंट? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है। और इस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर आपको थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। जब इकोनॉमिक्स हम कहते हैं तो इसका मतलब है जो करिकुलम बेस्ड इकोनॉमिक्स है, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आपने इकोनॉमिक्स में एमए किया है तो जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के, अलग अलग थेरीज है, अलग अलग परस्पेक्टिव्स है, अलग अलग लॉज है इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक्स में, तो उनकी बात आ जाती है। सो आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, थोड़े से इकोनॉमिक कंसेप्ट्स, इकोनॉमिक थेरी, थोड़ी सी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी पास्ट में कैसी थी, प्री ब्रिटिश इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिश काल में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और ब्रिटिश जाने के बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा 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 करके पढ़नी है। बट हमें फोकस करना है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पर। और अब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे तो ये बहुत बहुत वास्ट एरिया है। अगर हम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इस कंसेप्ट को देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे लाखों बुक्स इस टॉपिक पर लिखी गई होंगी। बट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स क्या है। आप सबको ये पता होगा कि ऐसा बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स का या जनरल स्टडीज़ का कोई भी स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है, और जनरल स्टडीज़ बहुत ही वास्ट है। सो वी कैन नॉट गेस द सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस किसी को भी पता नहीं है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स का एक स्पेसिफिक सिलेबस है, एक पर्टिकुलर उसका स्कोप है और उसके डिमेंशंस है और अब उसके जो बॉर्डर्स है वो भी डिफाइन किया गया है। सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर आपको क्या पढ़ना है ये आपको बताया गया है यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में। सो वो पॉइंट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एंड एटसेट्रा। अब आप पूछेंगे कि सर ये एटसेट्रा क्या है, तो धीरज रखिए, मैं बताने वाला हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। अब कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर इसमें क्या पूछा जा सकता है और ये एटसेट्रा क्यों लिखा है सिलेबस में, तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स और इसके पेरिफेरी के जो भी कॉन्सेप्ट्स है ये सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सबको पता होगा कि ग्रो हार्लम ब्रंटलैंड, इनकी अध्यक्षता में ब्रंटलैंड कमीशन की स्थापना की गई थी और इन ब्रंटलैंड कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र हुआ
और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर सब लोग सीरियस हो गए, और फिर धीरे 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 पॉलिसी मेकिंग में भी वो परकुलेट होता गया। आप सबको याद होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत हुई थी 2000 से लेकर, और उनका जो टारगेट था वो 2015 था कि हमने एक मिलेनियम कंप्लीट कर लिया है और एज अ ह्यूमैनिटी हमने क्या अचीव किया है। और 8 अलग अलग उसके गोल्स थे और हर गोल के अलग अलग टारगेट थे, पॉवर्टी को लेकर, हंगर को लेकर, डिसीजेस को लेकर अलग अलग गोल थे। सो इसमें अलग अलग सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है प्रीलिम्स के लिए, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का टाइमलाइन खत्म हो गया तो यूनाइटेड नेशंस एक नया कंसेप्ट लेकर आया, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये जो गोल्स थे ये और सस्टेनेबल या सॉरी और एलैबोरेट गोल्स थे और एक्सपांडेड गोल्स थे, इसका जो मीनिंग है और एक्सपांड कर दिया गया और मीनिंगफुल कर दिया गया। और इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे 17 और इनके जो टारगेट्स थे वो सब मिलाकर हो गए 169 टारगेट्स। सो अब ये जितने भी टारगेट्स हैं, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, डिसीजेस, एनर्जी रिक्वायरमेंट, हर बारे में ये गोल्स है। सो ये जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये हमारे ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस हो जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सिलेबस के लिए। उसके बाद है पॉवर्टी, पॉवर्टी में जितने भी कंसेप्ट्स है, पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के टाइप्स कितने हैं, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी लाइन अभी की क्या लेवल है। अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है उसको अपडेट किया गया है। फिर पॉवर्टी लाइन का जो एस्टीमेट्स है इंडिया में वो कैसे किया जाता है, अभी तक कौन कौन सी कमिटीज़ इंडिया में आई पॉवर्टी एस्टीमेशन के लिए। इंडिया में हमेशा एक विवाद चला रहता है पॉवर्टी एस्टीमेट्स को लेकर, कि कोई कमिटी बोलती है पॉवर्टी बड़ी है, कोई कमिटी बोलती है नहीं नहीं पॉवर्टी कम हो गई है, तो ये क्या विवाद है। सो पॉवर्टी को लेकर कई सारे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके पहले भी पूछे गए हैं और इसके बाद भी पूछे जाएंगे। हर साल एक या दो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिनिमम एक क्वेश्चन पॉवर्टी या फिर इसके जो पेरिफेरी है इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट ये सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ लीजिए। फिर इंक्लूजन, सो ये मिला जुला एक कंसेप्ट है, पॉवर्टी से ही रिलेटेड है इकोनॉमिक इंक्लूजन। बट अभी हम जब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ इकोनॉमिक इंक्लूजन हम नहीं देखते, हम इकोनॉमिक एंड सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंक्लूजन का मतलब है कि जिन लोगों तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पहुंची नहीं है उन लोगों तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पहुंचाना, बैंकिंग फैसिलिटीज़ जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुंचाना। आज इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस नेटवर्क से बाहर है, तो उनको इंश्योरेंस देना, उनको इंश्योरेंस में इंक्लूड करना, इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूजन में आती है। और उसके साथ साथ सोशल इंक्लूजन कि जो भी सोशली वल्नरेबल कैटेगरीज है हमारे इंडिया में उनका इंक्लूजन करना, जेंडर इंक्लूजन करना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, OBCs, ये जितने भी अलग अलग सेक्शंस है जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको एम्पावर करना, उनको अपलिफ्टमेंट करना और उनको सोशल मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना, ये होता है इंक्लूजन में। सो इंक्लूजन रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है उनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में क्या होता है, पॉपुलेशन, सेंसस, आपको पता है कि हर 10 साल के बाद इंडिया में सेंसस होता है। अभी इस साल का जो सेंसस है 2021 में सेंसस पेंडिंग था, बट COVID-19 और लॉकडाउन इसकी वजह से सेंसस डिले हो गया है और अभी तक सेंसस नहीं कंडक्ट किया गया है। रिसेंटली पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठाया गया है कि सेंसस कब होगा। तो सेंसस से रिलेटेड जो भी डेटा है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा जो भी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, हमारा जो अभी आपको पता होगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस
क्योंकि इंडिया में यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सो जब हम यूथ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया का पॉपुलेशन कर्व किस प्रकार से है, इंडिया में पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ रही है, किस प्रकार से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किस प्रकार कम हो रहा है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, ये सारे जो इंडिकेटर्स है ये हमारे डेमोग्राफिक्स के रिचनेस को दर्शाता है। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये सारे फैक्टर्स हमें डेमोग्राफिक्स के सेक्शन में पढ़ने के लिए मिलते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, मतलब सोशल सेक्टर में, सोशल स्फीयर में गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स है, स्कीम्स है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जनधन अकाउंट होगा या फिर सुकन्या समृद्धि योजना है, ऐसे जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है इस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो एटसेट्रा है जो मैंने अभी पहले बताया था, अभी ये इसका सीक्रेट मैं आपसे रिवील करता हूँ कि ये एटसेट्रा कोई नई चीज़ नहीं है। एक्चुअली इस एटसेट्रा पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहते हैं। कुछ चीज़ें सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन की नहीं है बट फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर्स में दिखाई दिए हैं, रेपो रेट को लेकर, रिजर्व रेशोज को लेकर, आरबीआई के रोल और फंक्शंस को लेकर, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी है, बजट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार इकोनॉमिक्स में पूछे गए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, हमारे इंडिया में किस प्रकार से प्लानिंग किया जाता है, उसमें क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं, ये सारे जो टॉपिक्स है इन पर आपको सवाल दिखेंगे। सो आने वाले लेक्चर्स में हम इन सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और इन सारे टॉपिक्स को जस्टिस देने वाले हैं, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट फ्रॉम द जीरो टू हीरो। हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले समझेंगे, इनके इंटरलिंकेजेस समझेंगे और इनका जो एप्लीकेशन है एमसीक्यू पैटर्न में किस प्रकार से अभी रिसेंटली 2021, 2022 और 2023 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और हमारे इकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंडिंग को और परफेक्ट बनाएंगे। सो आप मेरे साथ जुड़िए। अभी तक आपने इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। और आपको पता है कि इस कोर्स पे आप स्पेशल डिस्काउंट भी पा सकते हो। कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक ही स्टेप फॉलो करनी है। सो अपना स्टडी यूपीएससी चैनल पे, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, किसी भी वीडियो पे कॉन्कर इकोनॉमी ये कमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि मैंने कमेंट की है। और जो भी कमेंट करेगा उसको आउटराइट हम नो क्वेश्चंस आस्क्ड एडिशनल 25% डिस्काउंट दे देंगे। आपको डिस्काउंट कोड आपके चैट सेक्शन में, आपके ऐप में ही आपको मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, इंस्टाग्राम के किसी भी कंटेंट पे आप सिंपल कॉन्कर इकोनॉमी ये कमेंट डाल दीजिए, आपको वहीं पे आपको पर्सनल चैट में 25% एक एडिशनल ऑफर का जो ऑफर कोड है वो भेजा जाएगा और आपको इस फैसिलिटी का बेनिफिट आप ले सकते हो। सो अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए और मिलते हैं आने वाले सेक्शन में, आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप ठीक से पढ़ाई कीजिए और केयर कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या आपको इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है? क्या न्यूज़पेपर पढ़ते समय इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स आपको समझ नहीं आते? क्या इकोनॉमी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स और स्टैटिस्टिक्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो? अगर इन तीनों सवालों के जवाब हाँ है तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। आपके इस पूरे कंफ्यूजन को मैं दूर करने आया हूँ और लेकर आया हूँ एक पावर पैक्ड कोर्स जिसका नाम है कॉन्कर इकोनॉमी विथ मी इन जस्ट 45 डेज। अब इस कोर्स में आखिर क्या करेंगे? यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी का सिलेबस एकदम डिटेल में कवर करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक हर कंसेप्ट एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सिलेबस में एम्बेडेड सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को कवर करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स के करंट पैटर्न अनुसार सारे टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। सिलेबस रिलेटेड करंट डेवलपमेंट भी डिटेल में कवर करेंगे। इस कोर्स में आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। बस यही नहीं, और सुनिए, और इन सब के साथ पाइए इकोनॉमी से रिलेटेड ढेर सारे मॉक टेस्ट जिनको सॉल्व करने के बाद आपका स्कोर
ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। इस पूरे कोर्स में आपके प्रिपरेशन का मल्टी लेयर डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट लेयर में आपके सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होगा। सेकंड लेयर में हम सिलेबस के जो इंटरलिंकेजेस है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे और सबसे आखिरी लेयर में हम समझेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन क्या है, जिसका फायदा आपको एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न में होगा। सो जल्दी से इस कोर्स के फ्री कंटेंट को एक्सेस करें और इस कोर्स में एनरोल करें। और जाते जाते एक सबसे अच्छी गुड न्यूज, इस पूरे कोर्स में आप पा सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट। सो अपना स्टडी यूपीएससी चैनल के किसी भी वीडियो पे कॉन्कर इकोनॉमी एक कमेंट कीजिए और पाइए 25% का एडिशनल डिस्काउंट। सो चलिए मिलते हैं कोर्स में।